नंदनी कुक में आपका स्वागत है। आज मैं पानी पूरी बनाने जा रही हूँ, तो सबसे पहले उसका पानी पूरी का पानी तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती लिया है, पुदीने की पत्ती, दो मिर्च, अदरक का टुकड़ा, ये इमली का पल्प है, नमक, काला नमक, आमचूर पाउडर। आप चाहे तो चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं। तो हम पानी बनाना तैयार करते हैं। सबसे पहले हम एक जार लेंगे। जार में हम सबसे पहले धनिया पत्ती डाल देते हैं, उसके बाद पुदीने की पत्ती, हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा और ये इमली का पल्प डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से पिस जाए। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम एक बाउल लेते हैं, उसमें इसे डाल देंगे। अब हम इसमें 2 कप के हिसाब से पानी डाल देंगे। मैंने इसमें पानी डाल दिया है, तो अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक आप अपनी टेस्ट के अनुसार डालेंगे, कम से कम 1/2 चम्मच। थोड़ा सा काला नमक ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमारा पानी पूरी का पानी बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो इसमें बूंदी भी डाल सकते हैं। हमारा पानी रेडी हो गया है, तो अब हम मसाला और गोलगप्पा के लिए उसकी पूरी तैयार करेंगे। आलू का मसाला बनाने के लिए हम ये 4 उबले हुए आलू लिए हैं, ये थोड़ा सा उबला हुआ चना है, प्याज को बारीक काट लिए हैं, उसके बाद ये लाल मिर्च और ये नमक। तो अब हम मसाला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम बाउल लेते हैं, उसमें आलू को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे। देखिए, मैंने आलू को मैश कर लिया है। अब हम इसमें ये चना डाल देंगे, उसके बाद इसे मिक्स कर लेते हैं। चना के बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे। आप टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालिए। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, इसे तीखा थोड़ा बनाने के लिए। और अब हम इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज सब डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम पानी पूरी के लिए उसकी पूरी बनाएंगे। पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सूजी लिया है, ये 1 कटोरी है, और ये मैदा है जो कि 1/4 कटोरी है, और उतना ही ये गेहूं का आटा है। और यहाँ पे मैंने आटे को गूंथने के लिए पानी लिया है। अब हम एक बड़ा सा बाउल लिए हैं, उसमें सूजी को डाल देते हैं। सूजी के बाद अब हम इसमें ये मैदा डालेंगे। मैदा के बाद अब हम ये गेहूं का आटा डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका आटा गूंथ लेंगे।
देखिए मैंने इसका नरम आटा गूंथ लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने को छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं तो अब हम इस आटे को थोड़ा सा मसल लेते हैं। उसके बाद हम इसकी एक लोई बनाएंगे और उसके बाद इसे बेल लेंगे। देखिए मैंने इसे पतला बेल लिया है। अब हम इसे किसी ढक्कन की सहायता से अब हम इसे गोल गोल काट लेंगे। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। अब हम बाकी सारी पूरियों को इसी तरह बनाएंगे। देखिए मैंने ये सारी पूरियां बेल ली हैं। अब हम इसे ऑयल में तलेंगे। पूरियों को तलने के लिए हम पहले ऑयल गरम कर रहे हैं, तो ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। देखिए हमारा ऑयल लगभग गर्म हो गया है, तो हम इसमें एक पूरी डालकर देखते हैं। अभी ये थोड़ा ठंडा है, तो इसे बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो हम इसमें और पूरियां डालेंगे। अब हम इसी तरह से और पूरियां डालकर इसे सुनहरा होने तक तल लेंगे। देखिए ये हमारा दोनों तरफ से पूरी सेक गया है, तो इसे निकाल लेते हैं। हम देखिए इसी तरह से बाकी सभी पूरियां तल लेंगे। देखिए हमारी पानी पूरी बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले हम एक पानी पूरी लेंगे, तो देखिए बिल्कुल क्रिस्पी है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, उसके बाद ये पानी डालते हैं। देखिए ये हमारी बिल्कुल बाजार जैसी पानी पूरी बिल्कुल घर पे ही रेडी है। तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।